हेलो दोस्तों, फिर से मैंने वीडियो वहाँ से ही कंटिन्यू शुरू की है जहाँ से मैंने कल लास्ट की थी। दोस्तों, कुदसियाबाग का इतिहास शहीद भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ है। जब असेंबली में बम डालने से पहले भगत सिंह पहले कुदसियाबाग में ही रुके थे, जहाँ पर दुर्गा भाभी ने अपने खून से भगत सिंह का तिलक किया था और उनकी पसंद की मिठाई भी खिलाई थी। तो दोस्तों, मैं उसी जगह पर आपको लेकर के आया हूँ जहाँ पर ये सब किया था, और ये आप अंदर से देख सकते हैं इसका व्यू, कुदसियाबाग महल का। जो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पहले थीं वो तो खैर अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दी थीं, और जो अभी हैं वर्तमान में वो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में दिल्ली की यह जगह तब ज़्यादा चर्चित हो गई जब शहीद भगत सिंह जैसे नामी क्रांतिकारियों के चरण इस जगह पर पड़े। इतना ही नहीं, इस जगह की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उस जगह पर आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी कुछ खास यादें हों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक जगह कुदसियाबाग की। ऐतिहासिक कुदसियाबाग का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले यमुना के किनारे निर्माण कराया गया था। बाग की चार दीवारी से घिरा हुआ था और यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें थीं और एक महल था, लेकिन 1857 की क्रांति तथा उसके बाद हुए युद्धों के कारण ज़्यादातर इमारतें दशकों से पहले गायब हो चुकी हैं। 1857 की क्रांति के बाद इसकी संरचना में कई बदलाव किए गए। वर्तमान में यहाँ एक प्रवेश द्वार, एक मस्जिद व एक बावड़ी स्थित है, जो मैं मस्जिद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कुदसियाबाग का इतिहास भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ है। असेंबली में बम डालने से पहले भगत सिंह पहले कुदसियाबाग में पहुँचे थे, जहाँ पर दुर्गा भाभी ने अपने खून से भगत सिंह का लाल तिलक किया था। इस कारण दिल्ली के इस जगह को इतिहास में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, कुदसिया बेगम के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। कुदसिया बेगम जो थी वो एक नाचने वाली लेडीज़ थी, और उसका पहले नाम उदमबाई था, जो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी बनी है। ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, मैं अभी बाहर लेकर के चलूँगा मैं आपको, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वैसे जितने भी पर्यटक हैं इनसे किसी न किसी चीज़ का इतिहास जुड़ा हुआ ही मिलेगा आपको। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये उधमबाई थी, मतलब एक नाचने वाली लेडीज़ थी, वैसे ही इनका कुछ ना कुछ ऐसे ही इतिहास मिलता है। और हम अभी बैक गेट पर थे इसके महल के, और अभी फ्रंट गेट पर चलेंगे, और वहाँ से जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है, जो मैं आपको अभी लेकर के चल रहा हूँ वहाँ को। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम लाहौरी ईंटें और लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। ये साइडों में ईंटें लगी हुई हैं लाहौरी, और बीच में ये पत्थर है जो इसका डिज़ाइनिंग है। और ये जो डिज़ाइन है इसका, ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि दोनों साइडों से इसमें स्टेयर्स गया हुआ है जीना, और यहाँ पे ये ऐसी खाली है, बंद है बस। ये जीने के नीचे का है, दोनों साइड से जो जीना गया हुआ है उसके नीचे का है, तहखाना टाइप का बना हुआ है। और अभी इसके ऊपर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, अभी हम ऊपर ही थे, इसके अंदर से थे, लेकिन हम उसके बैक साइड से थे। अब इसका जो फ्रंट गेट है वो ये है, जो अभी इस टाइम पर बंद है। बस यहाँ से हम आगे साइड उतर जाएंगे। काफ़ी एरिया में फैला हुआ ये बगीचा है, और यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, और यहाँ पे जो पास में कश्मीरी गेट बस स्टॉप है, तो वहाँ से आराम करने के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं लंच करने के लिए। एक आरामदायक जगह है ये, आके आप भी आ सकते हैं, और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, और बस टर्मिनल तो है ही, खैर जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, बस स्टैंड से यहाँ से हर राज्य के लिए आपको बस मिल जाएगी जो आसपास के एरिए हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं लास्ट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में कुदसिया बेगम मस्जिद को दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके दरमियान हिस्ट्रिकल वीडियो लाता रहूँगा।